अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इरफान अली फ्रॉम सी पी एस साला मूसा एंड आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुतलिक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट आर ए हैबिट ऑफ द पास्ट एंड यूजेज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फेल माजी मुतलिक वो फेल जिसमें किसी काम का करना होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी कि ऐसा एक्शन जो आपने कर लिया हो, जो वक्त गुजर चुका हो। गुजरे वक्त में जो हम एक्शन करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसके अलावा जो आपकी हैबिट, जो आदत होती है, यानी कि जो आपने, जैसे मैं खाना खाता था, ठीक है, वो खेलता था, वो रोता था, वो स्कूल गया, इनके ऐसे एक्शन जो कि ज़माना गुजरे हुए में पाया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है? उर्दू में पहचान, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी या बड़ी आता है। इनके उर्दू फिक्रे में जैसे वो स्कूल जाता था, वो रोती थी, वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, ठीक है, ऐसे फिक्रा जिसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी या बड़ी आता है, ये उर्दू फिक्रे की पहचान होती है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो होता है डिड। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि होगा डिड। अब पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट खेलता था, ठीक है, वो क्रिकेट खेलता में वो आपका सब्जेक्ट है, खेलता इसमें वर्ब है और क्रिकेट जो आपका ऑब्जेक्ट है। वो क्रिकेट खेलता था तो वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन तो ही के बाद वर्ब आएगा तो वर्ब क्या होगा? प्ले, और उसकी सेकेंड फॉर्म प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि आपका ये सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो स्कूल गया, वो सब्जेक्ट, ही जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल, ये आपका वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस का जो फार्मूला आपने ध्यान में रखना है कि पहले सब्जेक्ट, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। अब देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और आगे इसके क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ पर डिड आया तो उसके बाद हमेशा हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वी वन, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म होगी। आपने एक दफ़ा डिड इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस में, इट्स मीन कि सेकंड फॉर्म आपने यूज़ कर ली है, उसके बाद आप जो मेन वर्ब होगा उसकी आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि जब आपने डज सेंटेंस में यूज़ करेंगे उसके बाद आप ऐसी हैं इसका इजाफा नहीं करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो इसी तरह जब आपने डिड यूज़ किया उसके बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ कर सकते बल्कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिड सेकंड फॉर्म आपने यूज़ कर लिया। क्या वो स्कूल गया? तो सबसे पहले क्या आएगा? डिड, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल, आगे इसके क्वेश्चन मार्क। क्या वो क्रिकेट खेलते थे? डिड दे, अब देखें खेलते थे तो ये आपका प्लूरल है, ठीक है, तो उसके लिए आपने जो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो भी आप प्लूरल करेंगे, दे, वो ज़्यादा के लिए, डिड दे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो प्लेड नहीं होगा बल्कि प्लेड होगा, डिड दे प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। वो स्कूल नहीं गया तो वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए ही,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पर जब आप नॉट लगाएंगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो ये देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है, तो आप यहाँ पर दे यूज़ करेंगे, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर में आपने हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं करना, जब आपने सेंटेंस बनाना है नेगेटिव या इंटरोगेटिव तो उसके अंदर आपने डिड का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर आप डिड लिखेंगे उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म होती है। अब कुछ एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस, वो पानी पीता था, बारिश होती थी, वो अखबार पढ़ते थे, उन्होंने सबक याद किया, तुमने खाना खाया, मैंने गाना गाया, हमने फिल्म देखी, उन्होंने ख़त लिखा, हमने एक कैमरा ख़रीदा, हम रेलगाड़ी में सवार हुए। तो ये सेंटेंसेज है स्टूडेंट्स, आपने इनको नेगेटिव भी बनाना है, इंटरोगेटिव भी और पॉजिटिव भी, आपके टोटल जो होंगे वो 30 सेंटेंस बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से पता चल गया होगा, उसके फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम एक नए लेसन के साथ एक नई क्लास में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।